एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग होने वाला बहुत ही मजेदार। अगर ब्लॉग पसंद है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अच्छा सबसे पुराना प्यार आज जी में लगेंगे शोल्डर ट्राई। आज फोन की बैटरी है बहुत कम, इसलिए ज्यादा क्लिप्स हम बना नहीं पाएंगे। जितना ज्यादा से ज्यादा कोशिश होंगे वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे शोल्डर ट्राई के सेट्स। मैं तुझे सिर्फ लड़ना सिखा सकूं, लेकिन लड़ना तुझे खुद है। अगला सेट हम लगाने जा रहे हैं स्कल क्रशर। आज हम जिम में आए लेट, वर्कआउट हो गया लेट, इसलिए आज का वर्कआउट यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। अब थोड़ी बहुत जिम की बकचोदियाँ दिखाएंगे आपको। बढ़िया बढ़िया। हमारा एक दीदी ऐदा दो, बस ऐदा दो कि किसी देख सकता है। ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਫੋਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਦੀ ਲਾ ਰਹਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਡੰਬਲ ਹੀ ਲਾਣੇ ਆ ਜਿਮ 'ਚ ਆਈਏ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲਾ ਪੁੱਤ ਵਰਕਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ ਆਪੇ ਹਮ ਚਲੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਵਰਕਆਊਟ ਲਗਾਇਆ ਸ਼ੋਲਡਰ ਟ੍ਰਾਈ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਲਗਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਹਮਨੇ ਮੋੜ ਲਈ ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਕੀ ਤਰਫ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਚ ਆ ਗਈ ਗਾੜੀ ਕੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ये हमारे कपड़ों का कलेक्शन। इसे समर है, समर सेल है। आज हम अक्षरधाम वाली हमारी तैयार, अब चलते हैं शॉप पर। आज साली गर्मी इतनी ज्यादा, ऐसा लगता है सूरज ने साली मेरे सर पे पाइप लगा रखी है खून चूसने की। और आपसे भी जिंदाबाद है। शोरूम ओपन होने लगा है। चश्मा मिला तेरा? चश्मा कहना कौन सा गोल्ड भाई। मेन इंचार्ज का नंबर देता हूँ, आप डायरेक्ट उनसे बात कर लो। अब हम आ गए शिकंज बीबी ने दिया, ऐसे करना ऐसे हलवाई करो। आपकी ब्लॉगिंग मत करवा गई, ये हमारी वाली स्पेशल। आ जा मेरा भाई थोड़ा आगे। ये शिकंज भी हमारी, ये आपको बताते हैं कैसा टेस्ट है शिकंज भी। कैसी है यार? मस्त। अच्छा बहुत ही अल्टीमेट टेस्ट था, मजा आ गया। हमारी पैकिंग थी वो भी हमारी हो गई है। बाय भैया। हाय भैया का भी कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा था। एक्सीडेंट होने वाला बड़ा खतरनाक। वो देखो रोकने की कोशिश करता, बड़ा माए बाहुबली बना था। औरत का चक्कर बाबू भैया। एक्सीडेंट हो गया और मौजू लेने वाले बंदे एक दो तीन और चौथी पूरा गांव आया हुआ देखने। दो एक ले आंदा आंटी, दो टमाटर ले आंदा। आंटी ने दो बोले ही। आंटी की बस आ गई है, आंटी चली है या चली ले। बाय बाय। इतने सफाई से पन्ने पे जिंदगी मुझे किस रही है। हेलो गाइस, बन रहा फिर बनाना शेक। हम बनाना शेक, दूध हमने हरा पैकेट यूज किया है सबसे महंगे वाला, क्योंकि बजट की कोई समस्या है नहीं हमारे पास। हमारे शोरूम के बाहर हो गया बहुत खतरनाक एक्सीडेंट, अब आपको दिखाते हैं उसकी थोड़ी सी झलक। आइए देखते हैं, बैठ चल मजा आएगा। आगे
देखा आपने लापरवाही का नतीजा। फाइनली गाइस अब हमारा शोरूम हो गया है बंद। आया थोड़ी सी बार गेड़ी मारने, अपने दोस्त को फोन किया, वो बकचोद अभी तक पहुंचा नहीं है। उस हम साला 5 मिनट में पहुंच जाते हैं, वो साला अभी तक नहीं आया, अभी फोन कर रहा है। ये हमारा बकचोद दोस्त हमें मिल गया है, इसको लेना था। आज के ब्लॉग में एक बार फिर से आ चुके हैं हम, किसी पेशेंट का खाना देने जा रहे हैं, बकरा चोल से तो वीडियो बना रहा हूँ मैं। चिट्टी लाटे पो है इसमें, हवाई चप्पल में आए आइसक्रीम खाने। आए आइसक्रीम खाने आए हो? रेडियो पे आइसक्रीम खाने वाले अब दुकानों पे खाएंगे। और चप्पलें हवाई है, ये वही चप्पल है जिसमें स्कूटर से बाहर निकाल दिया था। देख ले कौन सी स्पेशल है। एक तो मैंगो कर दो आप, ज्यादा मीठी ना हो यार, फिर क्या फायदा, मीठा छोड़ा होगा। कैसा लग रहा आपको मुफ्त की आइसक्रीम खा के? कभी जिंदगी में मैंने जो पैसे दिए आज के हम खा रहे हैं, बहुत टेस्टी लगी जो भी है। बोल 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 बोलना फ्लेवर है तेरी माँ को भेजता हूँ ब्लॉग पर, चिंता ना कर। तो फाइनली हम आइसक्रीम की बिलिंग कराने आ गए। तो बोली रे, तो बोली सो तेरी तेरी माँ भी 100 लगे, तेरी 100 रुपये खर्चा। 100 खर्चा कहाँ खर्चा? आइसक्रीम पे रिवार्ड प्रेम। हमें कितने का खाना मिलता है? 40 में। 40 में और वो होता कितने का? 800 का। 800-900 खाना होता है, लेकिन हमारे पास ऐसी ऐसी खतरनाक चीजें हैं वो हमें मुफ्त में खाना खिलाते हैं, हमें कोई पैसा नहीं खर्चना पड़ता। सौंप भी दे के जाते हैं कि मुंह मीठा रखो। इसमें किसी को खाना देना था उसको भी चावल ही जाता, उसको भी चावल ही जाता है। चल बढ़िया ऐसे उसको उसको ऐसे दाल गई है, लेकिन उसको पनीर दो प्याज यही जाना था उसको, और कुछ नहीं हो सकता। बाय डार्लिंग, बाय बाय बाय, नुकसान करा के जा रहे हैं गाइस। चलो अब हमने आइसक्रीम लिए खा, अब हम चलते हैं घर। वैसे देखा है तो खाने का बिल हमारा आइसक्रीम का ज्यादा बन गया, साला खाना सस्ता था हमारे, आइसक्रीम ज्यादा महंगी थी। चलो कोई बात नहीं, अपनों के लिए बड़ा कुछ करना पड़ता है, तो जैसे भी है जहाँ पे भी है यहाँ। कई लोग हमारे इतने खास होते हैं जो हम दिल में रहते हैं ना, वो फिर वहीं रहते हैं। कौन कितना गलत है क्या फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो जैसा मर्जी हो। चलो आप लोग बोर मत हो, आपको एक शायरी सुनाते हैं। कोई शहर था जिसकी हर गली मेरी आहट पहचानती थी, एक मेरे नाम का दरवाजा था, एक खिड़की मुझको जानती थी। फाइनली गाइस अब हम अपना ब्लॉग करते हैं यहीं पे खत्म। अगर ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बाय। अरे आया मेरा कहीं बंदे भूख गए कभी, फिर मेरे सामने नहीं टकरे।